Let's start. Let me just share my screen and then you can start. So basically, हम लोगों ने continue करना है उससे आगे जो हमने recorded lecture में जहाँ तक किया है. So we in the recorded lecture I covered basically the numerical of the internally expanding ब्रेक शू. ठीक है, तो उनसे हमने चीज कवर कर ली है ऑलरेडी एक एग्जाम्पल के लिए. और उसके बाद अब हमें एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक्स क्लचेस का एक न्यूमेरिकल देखना है एंड वी आर गोइंग टू लुक एट वन मोर न्यूमेरिकल फ्रॉम इंटरनली एक्सपेंडिंग शू. ठीक है, तो आज का बेसिकली मकसद जो है वो न्यूमेरिकल देखना ही है. तो वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट टू न्यूमेरिकल टुडे. Right, so this is for example an example of an externally contracting clutch or brake. ठीक है, schematic जो है इसकी next slide में हमने show की हुई है. अब in this schematic what we need to understand is कि the way this thing works is very similar to internally expanding shoe. Internally expanding shoe के अंदर क्या होता है, आपका drum बाहर की तरफ होता है. ठीक है, force is ब्रेक शू को पुश कर रही होती है ऑन टू द ड्रम ऑन द इनसाइड. ठीक है, एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग शू के अंदर क्या होगा कि ड्रम आपका अंदर की तरफ है, यानी कि आपका व्हील के साथ अटैच है ड्रम. आपका शू बाहर है, एक जगह पे पिंड है. इंटरनली एक्सपेंडिंग शू भी एक जगह पे पिंड हम लेते हैं, दूसरे एंड पे हम एक्चुएटिंग फोर्स अप्लाई करते हैं. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. फोर्स अप्लाई करने की वजह से This shoe is being pressed on the drum. उसकी वजह से हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है, रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं ऑन द पिन. ठीक है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ फोर्सेस. सो वी हैव फोर डिफरेंट फोर्सेस, रिएक्शंस हैं, नॉर्मल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है और एक्चुएटिंग फोर्स है. द गुड थिंग इज दैट द मैकेनिक्स इज द सेम एज द इंटरनली एक्सपेंडिंग शू. ठीक है, तो सेम तरीके से इसकी मैकेनिक्स सॉल्व होगी. प्रेशर इज द सेम, द इक्वेशन फॉर द मोमेंट्स आर द सेम एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर, तो वी डोंट, वी विल नॉट गो थ्रू दिस अगेन. ठीक है, द आइडिया इज कि आपको चेक करना पड़ता है कि आपकी डिफरेंशियल फोर्स क्या है, उस डिफरेंशियल फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिन क्या है और फिर उसको पूरे शू के ऊपर आप इंटीग्रेट करते हैं. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग है. तो शू इज स्टार्टिंग एट एन एंगल थीटा वन एंड इट इज एंडिंग एट एन एंगल थीटा टू. ठीक है, तो थीटा वन से लेकर थीटा टू तक आपने इंटीग्रेट कर दिया. फ्रॉम द यूज पॉइंट ऑफ व्यू यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूलेस डायरेक्टली. ठीक है, तो जब भी आएगा तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने केस के लिए कि कौन सा पैरामीटर क्या है हमारे करंट प्रॉब्लम में. वंस वी नो ऑल द पैरामीटर्स वी कैन जस्ट फाइंड आउट द मोमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो मोमेंट्स की इक्वेशन सेम है. मोमेंट बैलेंस लगाना पड़ता था हमें इंटरनली एक्सपेंडिंग शू में, एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग शू में भी मोमेंट बैलेंस अप्लाई होगा बिकॉज दिस शू इज गोइंग टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. आपका ड्रम रोटेट कर रहा है बट आपका शू रोटेट नहीं कर रहा होता. ठीक है, तो जितनी भी फोर्सेज इसके ऊपर लग रही हैं अगर उन सबका मैं मोमेंट का बैलेंस ले लूँ अबाउट द पिन ए, वी गेट द मोमेंट ऑफ थ्री डिफरेंट फोर्सेज, एक्चुएटिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स. ठीक, यहाँ पे आके थोड़ी सी चीज डिफरेंट हो जाती है फ्रॉम द इंटरनली एक्सपेंडिंग शू. ठीक है, एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग शू के अंदर व्हाट इज डिफरेंट इज कि जब ये रोटेशन ड्रम की क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये राइट डाउनवर्ड होगी और एंड नॉर्मल रिएक्शन इज नाउ अपवर्ड बिकॉज ये ऊपर से पुश कर रहा है नीचे की तरफ, तो ऑपोजिट रिएक्शन जो आ रहा है वो अपवर्ड आ रहा है. पिन के अबाउट इन दोनों मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी द बोथ ऑफ देम आर क्लॉकवाइज. इफ यू थिंक अबाउट दिस, दिस इज गोइंग क्लॉकवाइज और नॉर्मल रिएक्शन का मोमेंट भी जो है वो भी क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन है. ठीक है, हम लोगों को ये चीज देखनी होती है, हमने इंटरनली एक्सपेंडिंग शू में भी ये चीज देखी थी कि इन दोनों फोर्सेस के मोमेंट्स आइदर दे विल बी क्लॉक, दे विल बी सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है देन दिस मीन्स कि आपके पास यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा दोनों. जब ये साइन चेंज होगा तो इन द फोर्स यू आर गोइंग टू हैव डिफरेंट साइंस हियर लाइक दिस. ठीक है, तो आपके पास एम एन माइनस एम एफ आएगा. अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस है मोमेंट की, एम एन और एम एफ की,
ठीक है, तो यानी फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स की अगर मूवमेंट्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, देन यू कैन हैव अ केस ऑफ सेल्फ एनर्जाइजिंग, या इसका मतलब ये कि सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल हो. सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल है तब जब दोनों मोमेंट्स की डायरेक्शन डिफरेंट. अगर डायरेक्शन सेम है दोनों मोमेंट्स की, तो यू विल गेट अ पॉजिटिव साइन हियर, व्हिच मींस कि आप देयर इज नो वे द फोर्स कैन बी जीरो. ठीक है, तो ये चीज चेक करनी बहुत जरूरी होती है कि आपका मोमेंट सेम है दोनों के नहीं. तो इस पर्टिकुलर केस में, एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग शू के केस में, जो आपका नॉर्मल क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं, जिसके लिए हमने सारे फॉर्मूला लिखे हैं फॉर इंटरनली एक्सपेंडिंग शू भी और एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग शूज भी, हमने सेम केस के लिए फॉर्मूला लिखे थे जब आपका ड्रम जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. इंटरनली एक्सपेंडिंग शू के अंदर जब आप क्लॉकवाइज ड्रम रोटेट कर रहा होता था, इस पर्टिकुलर शू के लिए, जब शू आपका राइट साइड में टॉप राइट पे बना हुआ है, तो आपके पास ऑपोजिट मोमेंट्स आ रहे होते थे, तो आपका सेल्फ एनर्जाइजिंग पॉसिबल होती. इस केस में सेल्फ एनर्जाइजिंग पॉसिबल नहीं है. तो आपको बेसिकली दिस डज नॉट रियली मैटर. आपको हर शू के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मोमेंट्स दोनों ऑपोजिट है कि नहीं. अगर मोमेंट ऑपोजिट है तो सेल्फ एनर्जाइजिंग पॉसिबल है, सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल है, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें. अगर दोनों का मोमेंट सेम डायरेक्शन में आ रहा है लाइक दिस केस, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें प्लस साइन आ रहा है. तो ये हमें चेक करना पड़ेगा और ये हम लोग करेंगे जैसे ही हम न्यूमेरिकल पे अभी जाते हैं. वी विल नीड टू चेक दिस. ठीक है, तो हम लोग ये भी चेक करके देखेंगे. राइट, तो द आइडिया इज के द अप्रोच इज द सेम, बिल्कुल सेम फॉर्मूले यूज हो रहे हैं. हमें उसी तरीके से एक्सिस सिस्टम बनाना होगा, उसी तरीके से मूवमेंट चेक करने पड़ेंगे. फोर्स का सेम रिलेशन है, रिएक्शन के भी सिमिलर रिलेशनशिप्स हैं, दे आर जस्ट रिप्लेस. तो इंटरनली एक्सपेंडिंग का जो क्लॉकवाइज का रिलेशन था, वो इस केस में काउंटर क्लॉकवाइज का रिलेशन बन गया. ठीक है, ये इसको ये कह देना चाहिए कि जो सेल्फ एनर्जाइजिंग का रिलेशन था उस केस में, वही सेल्फ एनर्जाइजिंग का रिलेशन है इस केस में भी. उस केस में सेल्फ एनर्जाइजिंग वॉज हैपनिंग इन क्लॉकवाइज एंड इधर सेल्फ एनर्जाइजिंग इज हैपनिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज. ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन फोर्सेस के भी रिलेशनशिप्स अवेलेबल हैं, सेम मैकेनिक्स है, बिल्कुल समेशन एफएक्स और समेशन एफआई से करके हमने निकाली हुई है रिलेशनशिप्स. तो द आइडिया इज कि वी हैव ऑल द रिलेशनशिप्स व्हिच आर वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन इंटरनली एक्सपेंडिंग शू एंड वी हैव देम अवेलेबल फॉर एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग शूज एज वेल. ठीक है, तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका जो है, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन लुक एट a numerical which is going to help us in understanding this problem. Theek, acha, by the way, ek cheez rahi hai, breaking torque ka relationship is exactly the same. Isme koi change nahi aa raha internally expanding shoot se. So we still have the friction force FDN, usko humne r se multiply kiya, which is the radius of the drum, aur usko integrate kar diya pure shoe ke upar. Theek hai, to this is basically integrating from theta 1 to theta 2. तो टॉर्क का रिलेशनशिप सेम है, तो ये फॉर्मूला सेम आ रहा है, चाहे आपका इंटरनली एक्सपेंडिंग हो या एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग, यू गेट द एग्जैक्ट सेम रिलेशनशिप. ठीक, तो कमिंग टू अ न्यूमेरिकल, अब ये एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम एक है. तो फर्स्ट थिंग यू विल नीड टू डू व्हेनेवर यू गेट अ न्यूमेरिकल इज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ब्रेक और क्लच. ठीक है, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. आपके पास ड्रम रोटेट कर रहा है और जो ब्रेक शू है दैट इज आउटसाइड एंड इट इज बीइंग पुश्ड इनटू द ड्रम फ्रॉम द आउटसाइड. ठीक है, बाहर से पुश हो रहा है ड्रम के ऊपर. दिस इज एन एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग शू. ठीक है, बाहर से पुश हो रहा है. अगर अंदर से बाहर की तरफ पुश हो रहा होता देन इट वुड हैव बीन एन इंटरनली एक्सपेंडिंग शू. तो दिस इज द केस ऑफ एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग शू. ठीक है, ये तो हमें डायग्राम देख के समझ में आ रहा है. पिन यहाँ पे हुआ है आपके केस, दिस इज द पिन. फोर्स, एक्चुएटिंग फोर्स यहाँ अप्लाई हो रही है. दिस इज द शू. ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द ड्रम. इस पूरे शू के ऊपर आपके पास नॉर्मल फोर्स भी जनरेट हो रही होगी, आपके पास फ्रिक्शन फोर्स भी जनरेट हो रही होगी. आपको अगर हमें इस चीज को सॉल्व करना है, देर आर गोइंग टू बी सेवरल पैरामीटर्स विच वी विल नीड टू फाइंड आउट.
एंड वी नीड टू एक्चुअली सर्च, वी नीड टू सी कि हमें क्या क्या चीजें पता है, ठीक है। हमें इस केस में कुछ जो चीजें पता, सबसे पहले तो उन्होंने बता दिया कि आपके पास फेस विड्थ जो है वो 1.25 इंचेस है, तो बी इज 1.25, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.25, एक्चुएटिंग फोर्स इज 90 पाउंड फोर्स, ठीक है, 90 पाउंड की फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। हमें मैक्सिमम प्रेशर निकालना है इस शू के ऊपर, मैक्सिमम प्रेशर को हम डेजिग्नेट करते हैं पी ए से, दिस अकर्स एट एन एंगल थीटा ए, ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड द ब्रेकिंग टॉर्क पी, ठीक। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज गिवन एज क्लॉकवाइज, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स हमें इस सिस्टम के पता चल गए, कुछ चीजें हमें और निकालनी पड़ेंगी। किसी भी क्वेश्चन के अंदर द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज डिफाइन द एक्सिस सिस्टम ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो एक्सिस सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा, और उसकी टेक्निक हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी, हम दो क्लासों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जो एक्सिस सिस्टम होता है आपका, उसका जो एक्स एक्सिस होगा दैट इज गोइंग टू पास थ्रू द पिन, एंड द वाई एक्सिस इज गोइंग टू बी ड्रॉन ऑन द साइड ऑफ द शू। तो आपके पास ये पिन है, सेंटर से स्टार्ट करते हुए पिन को पास करते हुए दिस देयर विल बी एन एक्स एक्सिस, आप एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस होगा, राइट, तो सम लाइन हेयर, बट वी ड्रॉ द वाई एक्सिस ऑन द साइड ऑफ द शू। तो हमारे पास एक्स वाई एक्सिस सिस्टम इस तरीके से बनेगा, सेंटर से स्टार्ट करते हुए पिन के थ्रू पास किया, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इज ऑन द साइड ऑफ द शू। अगर आपका शू यहाँ पे बना होता तो वाई एक्सिस नीचे बन जाता, ठीक है, सिंस द शू इज ऑन टॉप तो आपका वाई एक्सिस शू की साइड पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एक्स वाई एक्सिस सिस्टम हो गया। हमें इफ यू रिमेम्बर, हम हमारे सारे फॉर्मूलों के अंदर थीटा वन से थीटा टू तक इंटीग्रेशन हो रही होती है, तो वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल्स थीटा वन एंड थीटा टू एज वेल इन दिस केस। अब एंगल्स जो होते हैं कहाँ से मेजर हो रहे होते हैं, एंगल्स मेजर हो रहे होते हैं फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब हमें इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने हॉरिजॉन्टल से ओरिएंटेशन बताई हुई है अपने शू की, ठीक है। तो शू है उसके दोनों एजेस की हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है, राइट वाले शू का एंगल 45 डिग्रीज है और लेफ्ट वाले शू का एंगल 45 प्लस 90 डिग्री, ठीक है। हमें पिन से इनके एंगल्स निकालने, तो हमें जो एंगल्स निकालने हैं वो पिन से रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हमें एक तो चीज पता करनी पड़ेगी कि हमारा एक्स एक्सिस का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, दैट वी आर डेजिग्नेटिंग थीटा। मुश्किल नहीं है, आराम से निकल आएगा, बिकॉज दिस साइड इज 8, हाइट इज 6। यहाँ पे हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल फॉर्म करें हम, उसकी बेस 8 है, उसका परपेंडिकुलर 6 है, थीटा निकालना इज नॉट डिफिकल्ट, यू कैन फाइंड इट आउट यूजिंग द टेंजेंट इनवर्स 6/8, ठीक हो गया। तो थीटा इज नीडेड क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों लाइंस का जो ब्रेक शू का स्टार्ट है और एंड है हॉरिजॉन्टल से एंगल्स पता है। तो अगर हम अपने एक्स एक्सिस का भी हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाल लेंगे, देन आई कैन फाइंड आउट थीटा वन एंड थीटा टू, सही। थीटा वन क्या है, एक्स एक्सिस से लेके शू के स्टार्ट तक के एंगल। थीटा टू क्या है, एक्स एक्सिस से लेके शू के एंड तक का एंगल, सही। ये शू के एंड तक का एंगल है, वाई एक्सिस तक का एंगल नहीं, ठीक है। शू के एंड तक का एंगल ड्रॉ हुआ है थीटा टू। तो हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड थीटा वन, थीटा वन क्या है, तो दिस अगर मैं इस शू की जो ये मेरा शू है, जो ये ब्लैक लाइन पीछे शो हो रही है, इसका एंगल चेक करूं फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 45 डिग्री। तो फ्रॉम दिस साइड इट इज 45 प्लस 90, दैट इज 135। 180 में से 135 माइनस करा दें, यू आर गोइंग टू गेट 45। तो ये शू के स्टार्ट का एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 45। अगर मैं 45 डिग्रीज में से थीटा माइनस करा दूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट दिस स्मॉल एंगल हियर थीटा वन, ठीक है। तो थीटा वन इज इक्वल टू 45 माइनस थीटा, ठीक है। तो थीटा वन इज इक्वल टू 45 माइनस थीटा, यू गेट दिस स्मॉल एंगल राइट देयर,
it turns out to be 8.13. ठीक है, जो थीटा है दैट इज टेंजेंट इनवर्स 6/8. ठीक है, देन द नेक्स्ट एंगल वी हैव इज थीटा 2. थीटा 2 क्या होगा हमारे पास? थीटा 2 इज बेसिकली जो भी एंगल थीटा 1 का आ रहा है उसमें आपने 90 डिग्रीज एड करना है. क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो शू के स्टार्ट से लेके एंड तक का एंगल इस पर्टिकुलर केस में गिवन है, दैट इज 90 डिग्री. ये इस केस के लिए गिवन है, वो हमें पता है 90 डिग्री. जब थीटा 1 के अंदर हमने 90 डिग्री ऐड करा दिया, वी गेट थीटा 2. सही है, तो ये चीज भी पता चल गई, थीटा 1 पता चल गया, थीटा 2 पता चल गया. हमें पिन की लोकेशन भी आइडेंटिफाई करनी होती है अपने न्यूमेरिकल्स में, दैट वी डेजिग्नेट एज ए. सही, तो सेंटर से लेके पिन तक का डिस्टेंस इज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट, दैट कम्स आउट टू बी 10 इंचेस. ठीक है, तो ये पैरामीटर्स हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए. ये सारे पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे, एंड नाउ यूजिंग दिस वी कैन एक्चुअली सॉल्व आवर प्रॉब्लम वेरी इजीली. ये काम है इस सवाल में एक्चुअली जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्या आपने क्वेश्चन पढ़ के और डायग्राम को देख के आइडेंटिफाई करना है कि पैरामीटर्स क्या है. Once you get the parameters, then the question is straightforward. क्योंकि सिर्फ formula apply करना है, वो formula आपके पास integral के form में है, आप directly integrals को calculator पे solve कर सकते हैं and you can get the answers. एक और चीज हमें check करनी पड़ेगी before we proceed. वो ये check करना पड़ेगा कि हमारे पास जो दो moment बन रहे हैं friction force का और normal force का, क्या वो opposite direction में है कि same direction? ठीक है, तो हम अगर अपने फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स को ड्रॉ करें, सिंस द रोटेशन ऑफ द ड्रम इज लाइक दिस, जो शू के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही होगी दैट इज गोइंग टू बी इन द सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन रोटेशन एज द रोटेशन. ठीक है, जो भी रोटेशन ड्रम की हो रही है उसकी सेम सेंस में आपके पास फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही होगी FDN शू के ऊपर. ड्रम के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो ऑपोजिट होगी. ठीक है, इस FDN के ऑपोजिट एक्ट कर रही होगी ड्रम के ऊपर. शू के ऊपर इट इज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द रोटेशन. सो नाउ अब इस पिन के अबाउट अगर मैं मोमेंट चेक करूं डी एन का और एफ डी एन का, तो अबाउट दिस पिन डी एन इज ट्राइंग टू रोटेट एंटी क्लॉक वाइज. ठीक है, डी एन आपकी पिन के राइट साइड पे अपवर्ड है, द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस थिंग इज एंटी क्लॉक वाइज. अगर मैं एफ टी एन को चेक करूंगा, फ्रिक्शन फोर्स को चेक करूंगा अबाउट द पिन, तो दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. ठीक है, इसकी सेंस डाउनवर्ड बन रही है, तो इसकी रोटेशन जो बनेगी दैट इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज. डी एन की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एफ डी एन की रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो यू आर गोइंग टू गेट ऑपोजिट मोमेंट्स फॉर बोथ ऑफ देम. ऑपोजिट मोमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपके पास सेल्फ एनर्जाइजिंग पॉसिबल होगी, तो आप सेल्फ एनर्जाइजिंग वाले फॉर्मूले यूज करेंगे सारी किन चीजों के लिए. ठीक है, तो एफ का फॉर्मूला भी वो माइनस वाले यूज करेंगे. रिएक्शंस अगर हमें निकालने होते तो हम इसमें वो वाला फॉर्मूले यूज करते जो सेल्फ एनर्जाइजिंग केस के लिए होते. ठीक है, तो ये चीज हमें हर दफा चेक करनी पड़ेगी कि आपके केस में मोमेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि सेम डायरेक्शन. ठीक हो गया, तो वंस वी डू गेट दिस देन द रिलेशनशिप्स बिकम्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपके पास एम एफ का फॉर्मूला है, ठीक है, यू कैन प्लग एवरीथिंग इनटू इट. ठीक है, आपके पास आर यहाँ पे 6 अवेलेबल है, ए हमने 10 निकाला है अभी. ठीक है, एंगल्स भी हमने निकाल लिए हैं, फ्रिक्शन क्वेश्चन में गिवन था. ठीक है, डी क्वेश्चन में गिवन था. थीटा ए क्या होगा इस केस में? थीटा ए क्या होता है? थीटा ए की दो कंडीशंस होती हैं. अगर थीटा टू लेस देन 90 है, ठीक है, देन थीटा ए इज इक्वल टू थीटा टू. अगर थीटा टू मोर देन 90 है तो थीटा ए इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. ठीक है, इस केस में हमारे पास थीटा टू इज मोर देन 90 डिग्रीज. ठीक है, थीटा टू इज मोर देन 90 डिग्रीज, विच मीन्स थीटा ए इज 90. जब कभी भी थीटा टू मोर देन 90 होगा तो थीटा ए 90 हो जाएगा, और अगर थीटा टू लेस देन 90 होगा देन थीटा टू ही थीटा ए बन जाएगा. सही है ना,
इस केस में थीटा टू इज मोर देन 90 डिग्रीज, दिस मीन्स थीटा ए इज 90, साइन 90 बिकम्स 1, सही हो गया। एमएफ है, कैलकुलेट हो जाएगा, डायरेक्टली इंटीग्रल कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। एम एन के लिए भी यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन के अंदर पीए कैलकुलेट करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको एमएफ, आपको फोर्स एक्चुअली, लेट्स सी कि इन्होंने हमसे क्या क्या पूछा हुआ है। उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि एक्चुएटिंग फोर्स अगर इतनी है तो प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन हियर इज वी हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ पीए, हमने पीए को यहाँ पे छोड़ दिया, बाकी जो भी चीज बची थी उसको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल ली। सेम थिंग वी आर डूइंग फॉर एमएन एज वेल, एक्सेप्ट फॉर पीए, बाकी सारी चीजों को सॉल्व करके आपने आंसर निकाल लिया। तो यू गेट एमएफ एंड एमएन इन टर्म्स ऑफ पीए, सही। सेल्फ एनर्जाइजिंग वाला आपने फॉर्मूला लिख दिया मोमेंट बैलेंस का, आपके पास फॉर्मूला पीछे जो लिखा हुआ था दैट इज दैट वाज एफ इक्वल्स टू एमएन माइनस एमएफ अपॉन सी, वो फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दीजिए, यू आर गुड। सेल्फ एनर्जाइजिंग वाला लिखना है बिकॉज हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि दोनों मोमेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एफ हमें पता है, सही है। सी इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एक्चुएटिंग फोर्स फ्रॉम द पिन, फोर्स यहां पे अप्लाई हो रही है, पिन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 8 + 12 = 20, ठीक है। सॉल्व एवरीथिंग, फोर्स हमें पता है 90, डिस्टेंस इज 20, एम एन एम एफ प्लग इन कर दिया, पी ए बचा था, पी ए कैलकुलेट कर लिया, तो वन आंसर वी गेट। तो द कैलकुलेशन पार्ट इज नॉट डिफिकल्ट, क्वेश्चन को सेटअप करना, स्टार्ट करना कि सही पैरामीटर्स आइडेंटिफाई हो जाए, दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट, यू हैव टू फॉलो इट, ठीक है, सही से। बाकी वेन यू गेट टू द एक्चुअल सोल्यूशन पार्ट, दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है, जी जी बेटा, सर वो एक छोटी सी कंफ्यूजन थी, जो थीटा ये जो आपने 90 लिया था, इसकी क्या लॉजिक बताई थी आपने कि वो 90 से बड़ा होगा थीटा 2, तो इस तरह से देखें कर रहे हैं हम। हाँ देखें, आपके पास, मैं बताता हूँ क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, हमने प्रेशर का जो फंक्शन लिया था, दैट प्रेशर वॉज, ठीक है, the pressure was taken as pa upon sin theta a multiplied by sin theta, ठीक है। और ये हमने देखा था कि ये relationship एक पीछे स्लाइड में पूरी डेवलप भी हुई है, बिकॉज आपके पास जो शू होता है उसका परपेंडिकुलर डिफॉर्मेशन sin theta का फंक्शन होती है, और हमने ये रिलेशनशिप डेवलप की थी कि जो परपेंडिकुलर डिफॉर्मेशन होगी शू में वही प्रेशर जनरेट करेगी। तो जो फंक्शन आपका परपेंडिकुलर डिफॉर्मेशन ऑफ द शू का बन रहा है, सिमिलर फंक्शन बनेगा प्रेशर का, तो हमने ये रिलेशनशिप तो उधर से निकाल ली। फिर हमारे पास थीटा और पी की ये रिलेशनशिप आ रही थी, ठीक है। तो अब इसमें सिंस दिस इज साइन फंक्शन, तो जीरो पे साइन विल बी जीरो, 180 पे साइन विल बी जीरो, साइन थीटा विल बी मैक्सिमम एट 90 डिग्रीज, एंड दैट कम्स आउट टू बी ये, अब ठीक है, अपॉन साइन थीटा ए निकल के आ जाएगा इनफैक्ट, ठीक है, ठीक हो गया। अगर मैं इस फंक्शन को प्लॉट करूं, अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा थीटा वन यहां से शुरू हो और यहां पे खत्म हो जाए, इन दिस केस द मैक्सिमम प्रेशर इज गोइंग टू अकर हेयर, ठीक है, एट 90 डिग्रीज, सही है। तो अगर आपका थीटा टू इस पीक को क्रॉस कर रहा है, देन यू हैव ऑलरेडी अचीव द मैक्सिमम प्रेशर अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप, सही है। इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली आपका प्रेशर बढ़ता रहता है अप टू 90 डिग्रीज, एंड देन इट स्टार्ट्स टू रिड्यूस। कभी भी हम लोगों को जीरो प्रेशर का एट 180 डिग्रीज फेस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज वी नेवर मेक अवर शू गो, जैसे अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं यहां से यहां पे 0 डिग्रीज है मेरा, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं अपना शू बना रहा हूँ इतना बड़ा कि मैं यहां तक आ रहा हूँ 180 डिग्री तक, आई नेवर मेक इट लाइक दिस, ठीक है। तो हम लोग शू हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हम लोग शू को कॉन्सेंट्रेट करें अबाउट द मैक्सिमम प्रेशर, कि
शुरू में भी जीरो प्रेशर है, एंड में भी जीरो प्रेशर है, शू का मटेरियल बनाने का कोई फायदा नहीं। तो एक केस तो ये हो गया कि आपका शू का जो थीटा टू है दैट इज मोर देन 90 degrees, देन द मैक्सिमम प्रेशर इज गोइंग टू अकर एट 90 degrees, ठीक है। तो साइन थीटा ए बिकम साइन 90 बिकम्स 1, तो यू गेट दिस रिलेशनशिप, सही है। दूसरी जो चीज हो सकती है वो ये हो सकती है कि इंस्टेड ऑफ दिस यू हैव अ वेरी शॉर्ट शू जिसका थीटा टू लेस देन 90 degrees है। नाउ इफ दिस इज लेस देन 90 degrees देन यू आर स्टिल इन द पार्ट वेयर द प्रेशर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर अभी आपका इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं थीटा टू से आगे जाऊंगा प्रेशर और ज्यादा है, तो दिस इज नॉट द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द फंक्शन। मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द फंक्शन इज अकरिंग एट 90 degrees, बट आपका शू यहां से लेके यहां तक खत्म हो गया, सही। तो अगर आपके पास थीटा टू लेस देन 90 degrees है, देन इन दैट केस आपका जो मैक्सिमम प्रेशर आपके शू पे अकर कर रहा है दैट इज अकरिंग एट थीटा टू, सही है। तो दो केसेस बन गए, एक केस ये बना कि हमारे पास थीटा टू लेस देन 90 degrees है, ठीक है, और दूसरा केस ये बना कि आपके पास थीटा टू मोर देन और इक्वल टू 90 degrees है, ठीक है। इस केस में थीटा ए इज थीटा टू और इस केस में थीटा ए इज 90 degrees, ये वाली बात कर रहे थे जो हम बात कर रहे थे, दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फंक्शन, सही है। पी का जो फंक्शन है उससे रिलेशनशिप आ रही, क्लियर हुई बात? यस सर, ठीक है, राइट। ठीक हो गया। तो हमारे पास अगर हमें प्रेशर पता चल गया, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये था कि ब्रेकिंग टॉर्क कैलकुलेट करें, ब्रेकिंग टॉर्क की रिलेशनशिप इज डायरेक्ट, ठीक है। तो ब्रेकिंग टॉर्क का ये फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास, थीटा वन हमें पता है, थीटा टू पता है, एफ पता है, पी ए हमने निकाल लिया है, वी पता है, आर पता है, एवरीथिंग इज नोन, थीटा ए इज 90, ठीक है। प्लग एवरीथिंग इन, यू गेट द टॉर्क। तो अगेन द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला का डायरेक्ट बिल्कुल एप्लीकेशन है, अगर आपको पैरामीटर सारे पता है यू कैन डायरेक्टली फाइंड इट आउट। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इस केस में वो ये था कि आपने आइडेंटिफाई करना था कि एक तो दिस इज अ केस ऑफ सेल्फ एनर्जाइजिंग, तो आपने सही फॉर्मूला यूज किया मोमेंट का, तो जो एफ का फॉर्मूला है वो करेक्ट यूज किया। अगर हम गलत फॉर्मूला यूज कर लेते तो प्रेशर गलत निकलता तो टॉर्क भी गलत आएगा, ठीक है। तो हमने ये सही आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास सेल्फ एनर्जाइजिंग का केस है कि नहीं है। उसके बाद हमने थीटा वन थीटा टू वगैरह सारे पैरामीटर्स ठीक से निकाले। वंस वी डू गेट इट देन द रिमेनिंग पार्ट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन इवन पुट एवरीथिंग इन एन ऑनलाइन कैलकुलेटर, तो वो आपको पूरा रिजल्ट निकाल के दे देगा, इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ सॉल्व करके दे देगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट्स, यू कैन इजीली मेक श्योर कि आपकी कैलकुलेशन ठीक हो बिकॉज यू हैव रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू नाउ, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में कोई मसला है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो फिर हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे थोड़ी सी और चीज क्लियर होगी। ओके, तो लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम नाउ। अब ये प्रॉब्लम जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द स्कीमेटिक। स्कीमेटिक को देखिए, बताएं कि हमारे पास ये किस टाइप की अरेंजमेंट है। तो द ड्रम इज ऑन द आउटसाइड, शूज आर ऑन द इनसाइड, द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन द शूज एंड दे आर बीइंग पुश्ड ऑन द ड्रम फ्रॉम द इनसाइड। सो दिस इज एन इंटरनली एक्सपेंडिंग ब्रेक, ठीक है ना। तो इसके शूज जो है वो इंटरनली एक्सपेंड हो रहे हैं। चार शूज हैं आपके सिस्टम में, ठीक है। हमने पहले एक एग्जाम्पल देखी थी जिसके अंदर दो शूज थे, इस केस के अंदर देयर आर फोर शूज, दो पिन्स हैं ए और बी, हर पिन पे दो दो ब्रेक शूज लगे हुए, ठीक है। सबके ऊपर सेम फोर्स अप्लाई हो रही है, आपको सारे आपको डायमेंशंस गिवन है सारी, ठीक है। तो पिन तक का डिस्टेंस इज ए, ए इज डायरेक्टली मेंशनड हियर, फोर्स एफ का डिस्टेंस सी डायरेक्टली मेंशनड हियर, रेडियस ऑफ द ड्रम आर इज मेंशनड हियर, ठीक है।
डी एक और डिस्टेंस है एफ का यहां से लेके सेंटर से लेके दिस डिस्टेंस डी इज आल्सो गिवन. क्वेश्चन के अंदर और क्या हमें बताया हुआ है, 400 mm का डायमीटर का ड्रम है विच मींस आर इज 200, दिस इज नोन टू अस नाउ. फोर इंटरनली एक्सपेंडिंग शूज हैं, ईच पिन सपोर्ट्स टू शूज, एक्चुएटिंग मैकेनिज्म प्रोड्यूसेस द सेम फोर्स ऑन ईच शू, सारे एफ सेम है. द फेस विड्थ ऑफ द शू इज 75 mm, बी इज 75 mm. मटेरियल जो यूज हो रहा है उसका फ्रिक्शन कोफिशियंट 0.24 है, एफ इज 0.24. द मैक्सिमम प्रेशर दैट कैन बी सस्टेन्ड बाय द ब्रेक पैड, जो भी आपका ब्रेक शू का मटेरियल है, दैट इज 1000 kilopascal. तो फॉर द केस व्हेन वी हैव द मैक्सिमम प्रेशर इन द सिस्टम, वी हैव टू डिटरमिन कि एक्चुएटिंग फोर्स एफ कितनी होगी. ब्रेकिंग कैपेसिटी निकालनी है, ब्रेकिंग कैपेसिटी इज द टोटल ब्रेकिंग टॉर्क ऑफ द एंटायर असेंबली. तो सारे ब्रेक शूज जो है उनका ब्रेकिंग टॉर्क निकाल के सबको ऐड करना है टू गेट द ब्रेकिंग कैपेसिटी. एंड वी नीड टू ऑल्सो डिटरमिन द हिंज पिन रिएक्शंस, ठीक है. और हिंज पिन रिएक्शंस में हमें ये नोट करना है कि हर पिन के ऊपर दो शूज अटैच हो रहे हैं, तो पिन के रिएक्शंस जो होंगे वो दोनों शूज के रिएक्शंस का सम होंगे बेसिकली, ठीक है. तो लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस थिंग, ठीक है. तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है ना, वही करना होता है कि आपको अपने सिस्टम के पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं. अभी इसे थीटा वन थीटा टू निकालना पड़ेगा, एक्सिस सिस्टम असाइन करने पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस शू में हमारे पास जो है वो मोमेंट्स की डायरेक्शन सेम है, किस में डिफरेंट है. तो ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी डन. तो उसके लिए मैंने किया क्या है, मैंने अभी चार डिफरेंट डायग्राम्स बना दिए हैं सो दैट वी कैन लुक एट ईच शू सेपरेट, ठीक है. सबसे पहला काम जो आपको करना होता है दैट इज टू पुट एन एक्सेस सिस्टम फॉर एवरी शू. हर शू का अलग एक्सेस सिस्टम बनेगा. एक्स एक्सिस पास होगा उस शू की पिन के थ्रू और वाई एक्सिस विल बी लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द ब्रेक शू. तो आपके पास चार एक्सिस सिस्टम बन रहे, चारों को मैंने टिक मार्क से शो भी कर दिया है कि किस शू की बात हो रही है. तो फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट केस दिस इज द पिन, तो द एक्स एक्सिस पासिस थ्रू द पिन एंड द वाई एक्सिस इज ऑन द साइड ऑफ द शू. शू ये है तो वाई एक्सिस शू की साइड पे नीचे नहीं है. सिमिलरली अगर मैं इस वाले केस की बात करूं, ठीक है, नीचे वाले शू जो कि यहां पे शो हो रहा है, तो एक्स एक्सिस इज द सेम बिकॉज ऊपर वाले शू और नीचे वाले ये दोनों सेम पिन को यूज कर रहे हैं. तो एक्स एक्सिस इज द सेम बट सिंस द शू इज नाउ ऑन द लोअर साइड तो वाई एक्सिस आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो, शू की साइड पे होता है, ठीक है. सेम थिंग वी नीड टू रिपीट फॉर पिन ए. पिन ए के दो शूज हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस पिन के थ्रू पास हो रहा है, ऊपर वाले शू के लिए वाई एक्सिस ऊपर की तरफ बन गया और नीचे वाले शू के लिए वाई एक्सिस नीचे की तरफ बन गया, ठीक है. तो चार आपके पास ब्रेक शूज हैं, चार एक्सिस सिस्टम बने हैं आपके, आपने हम इसमें ड्रम की कोई डायरेक्शन शो नहीं की हुई थी तो हमने ड्रम की एक डायरेक्शन अज्यूम कर ली. और इस अज्यूम्ड डायरेक्शन के लिए हमने कहा कि हमारे पास जो पहला ब्रेक शू है इसमें जो शू के ऊपर फ्रिक्शन ऐड कर रही होगी वो रोटेशन की सेंस में ही होगी. ड्रम के ऊपर ऑपोजिट होती है, शू पे सेम होती है, ठीक है. तो ड्रम अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इन द सेम सेंस आपकी फ्रिक्शन क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन की सेंस में ही एक्ट कर रही होगी. तो इट इज एक्टिंग लाइक दिस. नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द शू, नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ हो गया. पिन की क्या डायरेक्शन, पिन की लोकेशन क्या है इस केस में, द पिन इज लोकेटेड एट बी, ठीक है. तो अगर मैं बी के अबाउट मोमेंट चेक करूं तो द मोमेंट ऑफ द नॉर्मल फोर्स इज एंटी क्लॉकवाइज एंड द मोमेंट ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स इज क्लॉकवाइज, ऑपोजिट से, सही. आपके पास बाकी तीनों के केस में भी सेम, हम सेम सेंस ऑफ रोटेशन अज्यूम कर रहे हैं और उसके लिए हमने यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स सेम सेंस ऑफ रोटेशन के लिए यानी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन के लिए फ्रिक्शन फोर्स ड्रॉ कर दी सब पे क्लॉकवाइज सेंस के लिए. नॉर्मल फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है. हर केस में आपने चेक करना है कि आपकी रोटेशन की सेंस सेम है कि ऑपोजिट है. तो हमारे पास
अगर मैं इस वाली शू में देख रहा हूं तो दिस इज द पेन, फ्रिक्शन फोर्स इज ट्राइंग टू रोटेट क्लॉकवाइज, नॉर्मल फोर्स इज ट्राइंग टू रोटेट क्लॉकवाइज. इस केस में दिस इज अ पेन, फ्रिक्शन फोर्स इज ट्राइंग टू रोटेट क्लॉकवाइज, नॉर्मल फोर्स इज ट्राइंग टू रोटेट क्लॉकवाइज. इस केस में आ जाए, इस केस में ऑपोजिट नजर आ रहा है, क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज अ पेन. नॉर्मल फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, फ्रिक्शन फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है. ठीक है, तो वी हैव फोर शूज, दो शूज में सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, दो शूज में सेंस ऑफ रोटेशन ऑपोजिट है. ठीक है, जिनमें ऑपोजिट होती है उनमें सेल्फ एनर्जाइजिंग का फॉर्मूला लगता है, जिनमें सेम होती है इनमें दूसरा वाला फॉर्मूला लगता है. ठीक है, समटाइम्स अ बुक कॉल्स दिस, जो जिनमें ऑपोजिट सेंस होती है इनको समटाइम्स वी कैन रेफर टू देम एज प्राइमरी शूज, बिकॉज इनमें ज्यादा प्रेशर एक्ट कर सकता है. हमने ये अपनी एग्जाम्पल जब पहले पढ़ी थी तब देखा भी था कि जो के सेल्फ एनर्जाइजिंग होता है जिसमें एम एन माइनस एम एफ आ रहा होता है, इस केस में आपका प्रेशर ज्यादा होता है फॉर द सेम एक्चुएटिंग फोर्स. ठीक है, तो बिफोर वी प्रोसीड वी विल नीड टू रीज्वाइन, क्योंकि एक मिनट से कम टाइम रह गया. लेट्स रीज्वाइन एंड कंटिन्यू दिस न्यूमेरिकल. ठीक है, ओके, सो कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, हमने क्या करना है अब, हमारे पास दो शूज ऐसे हैं जिनमें सेंस ऑफ रोटेशन ऑपोजिट है, दो में सेम है. शूज की ज्योमेट्री इज एग्जैक्टली द सेम. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें चार सॉल्यूशंस नहीं करने, हमें एसेंशियली सिर्फ दो सॉल्यूशन करने हैं. हम सेम सेंस ऑफ रोटेशन वाले सॉल्यूशन एक दफा कर लेंगे और ऑपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन वाले सॉल्यूशन एक दफा कर लेंगे. ठीक है, और फिर उन चारों जो हमारे पास दो पे जो है वो सॉल्यूशन रिपीट हो जाएगा. दिस टॉप राइट शू एंड बॉटम लेफ्ट शू, दे हैव द सेम सॉल्यूशन, और बॉटम राइट शू और टॉप लेफ्ट शू, दे हैव द सेम सॉल्यूशन. ठीक है, तो In order to solve this thing, let's proceed. Amik. Right. तो एक चीज बाकी रह गई है, हमें थीटा वन थीटा टू निकालना पड़ेगा. थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस, सबके एक्स एक्सिस से जो ज्योमेट्री है वो सेम है, तो हम सिर्फ एक को देख सकते हैं. तो फ्रॉम द एक्स एक्सिस द शू स्टार्ट्स एट एन एंगल ऑफ 10 degrees, तो थीटा वन बिकम्स 10 degrees. एक्स और वाई एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं. ठीक है, तो वाई एक्सिस पे दिस गैप इज 15 डिग्रीज. ठीक है ना, ये 15 डिग्रीज है. तो अगर मैं 90 में से 15 माइनस करा दूंगा तो मुझे थीटा टू पता चल जाएगा. सही है, तो थीटा टू इज 90 माइनस 15 बिकम्स 75 डिग्रीज. एंड नाउ दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, मेक श्योर कि आप ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री है बिल्कुल, बट यू नीड टू डू दिस फॉर एवरी क्वेश्चन यू गेट, सो मेक श्योर यू गेट दिस राइट. थीटा वन पता चल गया, थीटा टू पता चल गया. इस पर्टिकुलर केस में थीटा टू इज लेस देन 90, दिस बिकम्स थीटा ए इज 75 डिग्रीज. ठीक है, ये दूसरा वाला केस है जिसमें थीटा टू लेस देन 90 है, तो थीटा ए बिकम्स थीटा टू. ठीक, एंगल्स पता चल गए, बाकी डायमेंशन हमने पीछे वाली स्लाइड में सारी लिखी हुई है, एवरीथिंग इज नोन. इन दिस न्यूमेरिकल आपको एक्चुएटिंग फोर्स निकालनी है. अच्छा, एक्चुएटिंग फोर्स निकालने के लिए लेट मी गो बैक एंड सी हेयर, हमें क्या पता है, हमें मैक्सिमम प्रेशर पता है. हमने जब एग्जांपल सॉल्व की थी उस केस में हमने ये देखा था कि मैक्सिमम प्रेशर इज गोइंग टू अकर ऑन द सेल्फ एनर्जाइजिंग साइड. अगर सेम फोर्स अप्लाई हो रही है सेल्फ एनर्जाइजिंग और नॉट सेल्फ एनर्जाइजिंग शूज पे, तो जो सेल्फ एनर्जाइजिंग शू होता है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है. उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन पिछले दो लेक्चर्स पहले हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस की थी, प्लीज रिव्यू इट इफ यू हैव एनी इश्यूज. तो हम लोगों को जब भी फोर्स निकालनी है एंड हमें मैक्सिमम प्रेशर गिवन है तो हम सेल्फ एनर्जाइजिंग वाला शू यूज करेंगे, बिकॉज उसके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर एग्जिस्ट करता है. तो मोमेंट्स है हमारे एम एफ एम एन, द रिलेशनशिप्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू जस्ट नीड टू प्लग एवरीथिंग इन. पी ए we are going to plug in the maximum pressure because हम self energizing shoe की बात करेंगे. ठीक है, तो आप solve करें, आपके पास MF और MN आ जाएगा.
मैक्सिमम प्रेशर इज गोइंग टू अकर ऑन द सेल्फ एनर्जाइजिंग शू, ठीक है, तो सेल्फ एनर्जाइजिंग शू जो है उसके लिए आप फोर्स निकाल सकते हैं. एवरीथिंग इज नोन, यू जस्ट नीड टू प्लग एवरीथिंग एंड गेट द फोर्स. ठीक है, तो पहला काम तो जो क्वेश्चन में एक हमसे पूछा हुआ था, दैट वाज टू डिटरमिन द एक्चुएटिंग फोर्स, दैट वी हैव डन. इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा. दूसरा काम हमसे उन्होंने पूछा है टू एस्टिमेट द ब्रेकिंग कैपेसिटी. दिस इज द टोटल ब्रेकिंग टॉर्क, यानी चार डिफरेंट शूज का ब्रेकिंग टॉर्क है जो हमें निकालना है. फॉर्मूला ये है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है. ठीक है, दिस इज सेम फॉर बोथ द केसेस. ठीक है, टी के लिए फॉर्मूला सेम रहता है, बट वॉट इज डिफरेंट इज इफ यू रिमेंबर द एग्जाम्पल दैट वी डिस्कस, प्रेशर डिफरेंट होगा, नॉट सेल्फ एनर्जाइज. जो सेकेंडरी शूज है ना आपके, जो प्राइमरी शू है, सेल्फ एनर्जाइजिंग शू है, उस पर प्रेशर तो हमें पता है. ठीक है, पी ए. जो दूसरा वाला शू है आपका, सेकेंडरी शू है जिसपे सेल्फ लॉकिंग नहीं हो सकती, जिसमें प्लस का फॉर्मूला आता है यहाँ पे, उस केस में हमें प्रेशर नहीं पता. तो द फर्स्ट थिंग वी विल नीड टू डू इज वी विल नीड टू फाइंड द प्रेशर फॉर द शूज विच आर नॉट सेल्फ एनर्जाइज. सही है ना? अगर हमें प्रेशर पता चल जाता है, प्रेशर निकालेंगे कैसे? हमें पी ए डिटर्मिन करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप से. ठीक है, इनफैक्ट आई हैव मेड एन एरर हियर. व्हाट आई नीड टू डू इज दिस नीड्स टू बी पॉजिटिव बिकॉज दिस शू इज नॉट सेल्फ एनर्जाइजिंग. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. तो इस रिलेशनशिप से हम पी ए निकालेंगे. ठीक है, फॉर द टू शूज जो कि सेल्फ एनर्जाइजिंग नहीं है, जिनमें सेम सेंस ऑफ रोटेशन थी, जो ये हमने सोल्यूशन किया था, दिस वॉज फॉर द सेंस ऑफ रोटेशन विच इज ऑपोजिट. ऑपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन में आपके पास ये वाला फॉर्मूला यूज होता है जिसमें सेल्फ एनर्जाइजिंग पॉसिबल होती है. इसमें मैक्सिमम प्रेशर हो सकता है, मैक्सिमम प्रेशर यूज करके सॉल्व करके. दूसरे वाले केसेस के लिए आपको सबसे पहले पी ए निकालना पड़ेगा यूजिंग द अदर एफ रिलेशनशिप. वंस दैट इज डन, आपके पास चार शूज हैं, दो में सेल्फ एनर्जाइजिंग हो रही है, दो में नहीं हो रही है. ठीक है, तो आपके पास ब्रेकिंग कैपेसिटी इज द सम ऑफ द ब्रेकिंग टॉर्क ऑफ द ऑल शूज. आपके पास टी का फॉर्मूला अवेलेबल है, इसको एक दफा सॉल्व करें फॉर सेल्फ एनर्जाइजिंग शूज, एक दफा सॉल्व करें फॉर द अदर सेकेंडरी शूज विच आर नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग. ठीक है, दोनों चीजें दो दो दफा रिपीट हो रही हैं, तो जो भी आपके पास रिजल्ट आ रहा है सेल्फ एनर्जाइजिंग का, दैट इज बीइंग रिपीटेड ट्वाइस. जो भी रिजल्ट आ रहा है नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग का, दैट इज बीइंग रिपीटेड ट्वाइस बिकॉज दो दो शूज हैं दोनों तरह के. द ब्रेकिंग कैपेसिटी, टोटल ब्रेकिंग कैपेसिटी इज द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इन द सिस्टम. जो चार ब्रेकिंग टॉर्क्स हैं उनका सम है, एड ऑल ऑफ देम, यू आर गोइंग टू गेट द टोटल ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, टोटल ब्रेकिंग कैपेसिटी आ जाएगी. सही हो गया? तो इफ देर इज एनी इशू इन दिस प्लीज आस्क मी, अदरवाइज आई कैन कंप्लीट दिस न्यूमेरिकल. आखिरी पार्ट रह गया सिर्फ. अटेंडेंस प्लीज लिख दीजिएगा याद से, डोंट फॉरगेट योर अटेंडेंस. ओके, सो इफ देर इज नो क्वेश्चन इन दिस, लेट्स लुक एट द फाइनल पार्ट. फाइनल पार्ट ये है कि आपने टोटल रिएक्शन निकालना है पेन के ऊपर. तो व्हाट आई हैव ड्रॉन हियर इज कि आपके पास हर पेन के ऊपर देयर आर टू डिफरेंट शूज, हर शू का अपना रिएक्शन निकलेगा. ठीक है, रिएक्शन निकालने के आपके पास फॉर्मूले होते हैं, सेल्फ एनर्जाइजिंग शू का भी है, नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग शू का भी है. तो इसमें से जो ये टॉप राइट वाले शू है, दैट इज सेल्फ एनर्जाइजिंग, द बॉटम वन इज नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग. दोनों पे डिफरेंट फॉर्मूले अप्लाई होंगे. ठीक है, ए और बी are these integrals which can be repeated for both of them. तो आप एक दफा इंटीग्रल सॉल्व करके इसमें प्लग इन कर सकते हैं. अब देर इज अ वेरी स्मॉल कॉम्प्लिकेशन हियर विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये जो रिलेशनशिप्स हैं आर एक्स और आर वाई की, दे आर बिंग गिवन इन द एक्सिस सिस्टम ऑफ द शू. हर शू के अपने एक्सिस सिस्टम के अंदर ये डिफाइन हो रहा है. तो दिस एक्स एंड वाई, आर एक्स एंड आर वाई for this shoe number वन is in the axis system of shoe वन. ये ऊपर वाला जो एक्स वाई एक्सिस सिस्टम है. और जो नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग के लिए मैं सॉल्व करूंगा आर एक्स और आर वाई फॉर द शू नंबर टू, दिस विल बी सॉल्व इन द एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ शू नंबर टू.
ठीक है, दोनों अपने अपने एक्सेस सिस्टम के अंदर है. तो यू सॉल्व दिस टू, यू आर गोइंग टू गेट आर वन एक्स एंड आर वन वाई. आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे. डायरेक्ट चीजें, आई एम जस्ट पुटिंग द नंबर्स, यू कैन सॉल्व इट, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. आर एक्स और आर वाई निकल के आ जाएंगे दोनों के लिए, बट हाउ डू यू एक्चुअली एड देम? यू कैनॉट डायरेक्टली एड देम. वाई? बिकॉज दोनों का वाई एक्सिस सेम नहीं है. द वाई एक्सिस फॉर द टू शूज आर एक्चुअली ऑपोजिट टू ईच अदर. दोनों के वाई एक्सिस ऑपोजिट. In order to add them, we have to write them in the same axis system. Otherwise, we cannot add them. Vector addition हो रही है ना, vector addition same axis system में हो सकती है. But that this is not a very difficult thing to do. दोनों को same axis system में लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, because सिर्फ y opposite है ना. तो अगर मैं second shoe को first shoe के axis system में लिखने की कोशिश करूंगा, the only thing that is going to happen is my y component is going to change signs, because my axis system mein y ki direction change kar. So r2y was positive in this y axis, theek hai? Is y axis mein r2y negative ho jayega, sahi hai? So when I add them together, the horizontal components add directly minus 0.658, minus 0.143, क्योंकि x एक्सिस सेम है दोनों का, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एड हो गया. वर्टिकल कॉम्पोनेंट में 9.88 रिमेन्स द सेम, बिकॉज हम इसका y एक्सिस यूज कर रहे हैं. जो दूसरे शू का कॉम्पोनेंट था 4.03, इसका साइन हमने चेंज करके नेगेटिव कर दिया, बिकॉज हमने इसका एक्सिस स्विच किया y एक्सिस, ठीक है? तो आपने 9.88 माइनस 4.03 किया, और उसके बाद उनको पाइथागोरस थ्योरम से ऐड करा के टोटल रिएक्शन निकाल लिया ऑन द शू, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा हुआ था, नोटिंग दैट द रोटेशन मे बी इन आइदर डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हिंचमैन रिएक्शंस? दिस डज नॉट रियली अफेक्ट अस, बिकॉज अगर मेरी रोटेशन की डायरेक्शन चेंज होगी ना, तो बॉटम वाला शू सेल्फ एनर्जाइजिंग बन जाएगा, टॉप वाला शू नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग बन जाएगा. इट वोंट अफेक्ट अस, बिकॉज हमारे पास अभी भी एक सेल्फ एनर्जाइजिंग शू होगा, एक नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग शू होगा, दोनों के रिजल्ट स्विच हो जाएंगे, बट आएंगे सेम, और टोटल रिएक्शन भी सेम निकल के आएगा, बिकॉज हर पिन के ऊपर एक सेल्फ एनर्जाइजिंग शू लगा हुआ है और एक नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग शू लगा हुआ है. तो अगर मैं रोटेशन की डायरेक्शन चेंज भी कर दूंगा, इट वॉन्ट रियली अफेक्टेड, ठीक है? तो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया. तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी, अदरवाइज वी कैन एंड इट हेयर. अटेंडेंस मेरे पास सब लोगों की नहीं आई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों ने सिर्फ अटेंडेंस लिखी है, पार्टिसिपेंट्स 9 हैं. तो प्लीज अटेंडेंस लिख दीजिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज यू आर फ्री टू लीव. सुफियान गो अहेड. सर ये एक सवाल था मेरा, वो आपने बोला था कि क्विज नंबर 1 के जो मार्क्स हैं जिन्होंने सबमिट का ऑप्शन नहीं प्रेस दबाया था, तो उनके अपलोड हो जाएंगे ग्रेड्स के अंदर, तो वो तो ग्रेड्स वगैरह के अंदर भी अपलोड नहीं हुए थे. मैंने अभी तक डाले नहीं है ना बेटा, मैंने आपको बोल दिया ना मैं डाल दूं, ठीक है? चले ठीक है, ठीक है, मैं डाल, बस यही कंफर्म, ठीक है? बस वो मैं कर दूं वगैरह, ये आप सारा बता दें, मतलब पेपर का जो पैटर्न वगैरह जो होगा वो किस तरह का होगा? पैटर्न अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, अगले वीक डिस्कस कर लेंगे, सही? क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट पॉलिसी हमें हाथ में मिली नहीं है ना, तो जैसी पॉलिसी आती है हमारे पास, बेस्ड ऑन दैट आई एम गोइंग टू डू, पूरी चीज डिस्कस करेंगे, कोई भी ब्लाइंड नहीं होगा आपके लिए, तो यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम, ठीक है? चलो ठीक हो गया. तो इफ यू, हाँ जी जी बेटा. सर वो लास्ट लेक्चर से क्वेश्चन था, वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर था, तो वो आप जरा खोल सकते हैं लास्ट वाला? जी कहाँ पे है, कहाँ जाऊँ मैं, न्यूमेरिकल में है? सर वो उसमें आपने जो सेल्फ लॉकिंग में बताया था, तो वहाँ पे वो मतलब ऊपर पॉजिटिव था, मतलब MN प्लस MF था, तो आपने कहा वो सेल्फ लॉकिंग नहीं होगा, तो वो वाली चीज समझने. ओके लेट मी गो हियर, इस स्लाइड पे काम होगा, राइट? जी. अच्छा देखें, आपके पास हमने ये देखना होता है कि क्योंकि हम जो एक्चुएटिंग फोर्स का फॉर्मूला निकल के आ रहे हैं ना, वो दो फॉर्मूला हमारे पास आ रहे हैं, एफ के
एम एन प्लस एम एफ अपॉन सी और एम एन माइनस एम एफ अपॉन सी, दो फॉर्मूला। ये प्लस और माइनस कैसे आ रहा है, ये प्लस और माइनस निकल के आ रहा है कि मोमेंट की सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर दोनों की सेम सेंस ऑफ रोटेशन है देन इट बिकम्स पॉजिटिव, क्योंकि दोनों का साइन सेम रहता है, और अगर दोनों की सेंस ऑफ रोटेशन ऑपोजिट हो जाती है तो माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस राइट वाले शू पे देखें तो आपके पास पेन ये है, इस पेन के अबाउट फ्रिक्शन फोर्स का जो मोमेंट आ रहा है दैट इज क्लॉकवाइज, और नॉर्मल फोर्स का जो मोमेंट आ रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, ऑपोजिट है। तो ये राइट शू के ऊपर यू हैव द माइनस साइन इन द मिडल, और लेफ्ट शू के ऊपर दिस इज द पेन, नॉर्मल फोर्स का मोमेंट इज क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट इज क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज सेंस में आ रहे हैं। ठीक है, तो प्लस साइन के साथ बात आ रही है। ठीक है, तो जो माइनस साइन वाली चीज होती है इसके अंदर सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल होती है, बिकॉज इवन इफ एफ इज जीरो दिस थिंग कैन बी जीरो बिकॉज एम एन माइनस एम एफ हो रहा है। जी सर, इस वाले केस में देर इज नो कंडीशन जिसमें एफ जीरो हो सके। सही है, एडिशन हो रही है ना, एडिशन वाले केस में एडिशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बोला था कि बिकॉज इंटीग्रल्स जो है अंदर के दिस इंटीग्रल्स रिमेन द सेम, और क्योंकि एक में दो इंटीग्रल्स ऐड हो रहे हैं एक में दोनों इंटीग्रल माइनस हो रहे हैं, दिस विल बी अ स्मॉलर पैरेंथेसिस टर्म देन दिस वन, ये ज्यादा बड़ी टर्म होगी। तो इन ऑर्डर टू गेट द सेम फोर्स प्रेशर जो होगा राइट साइड पे वो ज्यादा होगा। तो हम लोगों ने ये जो चीज अभी भी यूज की है कि जो सेल्फ एनर्जाइजिंग वाला शू होता है उसके ऊपर प्रेशर इज एक्चुअली हायर देन द नॉन सेल्फ एनर्जाइजिंग शू। ठीक है, ये वाली कंडीशन है बेसिकली। ठीक है, ओके ओके, चलो एनीथिंग एल्स, किसी और को कोई सवाल है?